गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉइन्स को इकट्ठा कर जितना आपके पास अमाउंट दिया है, मतलब जितना आपके पास आगे लिखा है उतने हमें यहाँ पर कॉइन्स को ऐड करना है और उतने रुपए बनाने हैं, पूरी राशि बनानी है। तो हम वो कैसे करेंगे, जैसे आपके पास यहाँ लिखे हैं 5 रुपये, कितने रुपये, 5 रुपये। तो 5 रुपये बनाने के लिए आपको कितने कॉइन्स चाहिए, मान लो आपके पास ये 3 कॉइन्स है, कितने कितने के, ये आपके पास 2 रुपीज़ का कॉइन है, ये 2 रुपीज़ का कॉइन है और ये 1 रुपीज़ का कॉइन है। टोटल कितना होगा, मतलब इसे काउंट करेंगे आप, 2 + 2 + 1 कितना हुआ, 5। एक 2 रुपये का कॉइन है, ये भी 2 रुपये का कॉइन है और ये 1 रुपये का कॉइन है। ये तीनों कॉइन्स मिलकर कितने रुपये बनाते हैं, 5 रुपीज़। वैसे ही नेक्स्ट आपके पास कितना है, 3 रुपये, कितने हैं, 3 रुपये। अब 3 रुपये आपको बनाने हैं तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप एक 2 रुपीज़ का कॉइन लेंगे, कितने रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का कॉइन लेंगे। 2 रुपये का आपने कॉइन ले लिया, अब कितने रुपये कम पड़ते हैं इसमें, 3 रुपये में हमारे पास 2 रुपये आ गए हैं, अब हमें चाहिए 1 रुपये और, 1 रुपये और आ जाएंगे तो बन जाएंगे पूरे 3 रुपये। चलिए तो फिर लेकर आते हैं, ये आपके पास है 1 रुपीज़ का कॉइन। अब 3 रुपीज़ आपने बनाने थे, मतलब 3 रुपये बनाने थे, तो उसमें आपने क्या किया, एक 2 रुपीज़ का कॉइन लिया, एक 1 रुपीज़ का कॉइन लिया और टोटल बन गया आपका 3। 2 में 1 रुपये जोड़े कितना बन गए, 3 रुपये। वैसे ही आपने बनाने हैं अब 4 रुपये। अब 4 रुपये बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसे हटा देते हैं एक बार। 4 रुपये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक 2 रुपीज़ का कॉइन लेना पड़ेगा और एक और 2 रुपीज़ का कॉइन आपको लेना पड़ेगा। अब 2 + 2, 2 में 2 जोड़े कितने रुपए बन गए, पूरे 4 रुपये। इसी तरह आपने ये 10 रुपये और 15 रुपये बनाने हैं और जितने आपको रुपए लिखे हैं उसके आगे कॉइन लगाकर, मतलब जैसे ये सिक्के लगाए हैं ना मैंने आगे, वैसे ही आपने सिक्के लगाकर मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजनी है। कोई भी बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहा, 1 या 2 बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप सभी बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे और इस तरह से जैसे ये 5 रुपये अपनी नोटबुक में लिखना है, आगे आपने 5 रुपये और उसके बाद यहाँ पर कॉइन से, मतलब इन सिक्कों से 5 रुपये बनाने हैं और ये पूरे का पूरा टेबल 5, 3, 4, 10 and 15, ये पूरे के पूरे आपने इस तरह से कॉइन्स लगाकर, इसमें आप 10 रुपीज़ का कॉइन का यूज़ भी कर सकते हैं, 1 रुपीज़ के कॉइन का यूज़ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास 5 रुपीज़ का कॉइन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर 10 रुपीज़ का कॉइन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये सारे कॉइन्स यूज़ करके इस तरह से अपनी नोटबुक पर इस इन कॉइन्स को आगे लगाना है और मुझे फ़ोटो खींच कर भेजनी है। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।